स्टार प्लस का चर्चित सीरियल अनुपमा टीआरपी लिस्ट में एक बार फिर बाजी मार चुका है। राजन शाही के सीरियल में रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे अनुपमा वनराज का रोल प्ले कर रहे हैं। सीरियल की कहानी और सभी किरदार इतने खूबसूरती से लिखे गए हैं कि दर्शक इसका एक भी एपिसोड मिस करना नहीं चाहते हैं। वैसे ये बात तो सच है कि टीवी पर ऐसी कहानी पहले भी दिखाई जा चुकी है, लेकिन जो प्यार अनुपमा को मिल रहा है वो शायद किसी को नहीं मिला। एक्टर सुधांशु पांडे ने कहा कि आखिर वो कौन सी एक्स फैक्टर हैं जिसके चलते ये शो नंबर वन बन चुका है। कहीं ना कहीं सुधांशु पांडे की बातों से लग रहा है कि वो इस शो की अनुपमा से चिढ़ने लगे हैं। सुधांशु पांडे का कहना है कि शो या ऐसी फिल्में हमेशा पसंद की जाती हैं क्योंकि इसमें रिश्ते का उतार चढ़ाव देखा जाता है। लोग जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि लव ट्रायंगल में क्या होने वाला है। दर्शकों का एक बड़ा तबका ऐसे शोज को देखना पसंद करता है। ऐसे शोज बहुत चलते हैं क्योंकि हर एक किरदार के साथ दर्शक इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं। इस सीरियल की शुरुआत से ही लोग सुधांशु पांडे के किरदार से नफरत करते थे और ये चीज वनराज को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वनराज अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश में जुटे रहते थे। ऐसा किरदार पर्दे पर निभाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। इस मामले में सुधांशु पांडे ने कहा, भले ही लोग वनराज के किरदार से नफरत करते हों, वो उससे नफरत करना पसंद करते हैं। यही तो एक वजह है कि जिसके चलते लोग अनुपमा को प्यार करते हैं। अब वो एक स्वतंत्र महिला है, लेकिन इन दिनों वनराज को खूब सहानुभूति मिल रही है। कहानी के हिसाब से चीजें बदलती हैं। कभी आप किसी और किरदार को पसंद करते हैं तो कभी किसी और को। सुधांशु आगे कहते हैं कि मुझे यकीन है कि कहानी के एक मोड़ पर मदालसा शर्मा के किरदार काव्या को बहुत सहानुभूति मिलने वाली है। ये रिश्ते हैं, इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। पहले आप इस शो को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। टीवी इंडस्ट्री का फेमस शो अनुपमा में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आ रहे हैं। इस बीच खुद को चिल रखने के लिए शो की कास्ट आपस में फनी वीडियोस बनाती रहती है। हाल ही में अनुपमा के लीड एक्टर सुधांशु पांडे ने सेट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक्टर काफी डरे हुए लग रहे हैं। इस वीडियो में कोई इंसान दरवाजे को खटखटाता है और सुधांशु बाहर आते हैं और कहते हैं कि कौन है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। ऐसा बार बार होता है। जब सुधांशु कमरे के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक औरत हाथ में कैंडल लिए दिखाई देती है और कहती है, समधी जी, वो औरत कोई और नहीं बल्कि राखी दवे यानी तस्नीम खान है। वीडियो के अंत में सुधांशु काफी डरे हुए दिखाई देते हैं। सुधांशु पांडे ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, राखी दवे का भूत भगाना, वनराज की जिंदगी का सबसे भयंकर अनुभव, एक ऐसी घटना जिसने वनराज को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वनराज कभी जिंदगी में राखी नहीं बंधवाएंगे। वनराज तो इतने डर गए कि उनके मूंछें तक निकल आती हैं। आपको बता दें, शो से जुड़ा हर कास्ट अपने वीडियो शेयर करता रहता है। मदालसा शर्मा से लेकर रूपाली गांगुली तक हर कोई अपने अपने तरीके से फैंस का एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। आप भी वनराज की इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। गुम है किसी प्यार में छोटे पर्दे के मोस्ट पॉपुलर शोज में से एक है। सीरियल में पाखी का रोल निभा रही एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा भले ही अपने शो गुम है किसी प्यार के में सफलता से खुश हो, लेकिन पर्सनली वो अपनी नानी को खोने से बहुत शोक में है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को ये जानकारी दी। एक्ट्रेस ने लिखा, मेरी नानी जी को मैंने कल खो दिया। मुझे याद है जब मैं खतरनाक बीमारी से लड़ रही थी तो उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि जब तू ठीक हो जाए तब ही काम पर जाए। उन्होंने कहा कि मैं तेरे नाम का नारियल भगवान को चढ़ाऊंगी। वो एक निस्वार्थ और एक खूबसूरत सबसे प्यारी सुपर वुमन थी। आई लव यू नानी, आई मिस यू, आपकी आत्मा को शांति मिले। एक्ट्रेस के कई को स्टार्स और दोस्तों ने दुख व्यक्त किया। गुम है किसी के प्यार में पाखी यानी आयशा सिंह, आशना आदित्य जैसे कई लोगों ने शोक व्यक्त किया। एक्ट्रेस के शो के बारे में बात करें तो 24 मई 2021 को इस शो के 200 एपिसोड पूरे हुए। अक्टूबर 2020 में ये शो लॉन्च किया गया था और बहुत कम टाइम में इस शो ने दर्शकों के बीच खास जगह बना लिया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्रियन परिवार की इस कहानी ने तो देखते ही देर रूपाली गांगुली के टीवी शो अनुपमा को भी टीआरपी में पीछे छोड़ दिया है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऐश्वर्या शर्मा ने भी इसी शो के को स्टार से ही शादी रचाई। जी हां, शो की शूटिंग के दौरान ही ऐश्वर्या को नील भट्ट से प्यार हो गया था।
जो कि विराट की भूमिका निभा रहे हैं। ऐश्वर्या और नील शो में एक्स लवर्स की भूमिका निभाते हैं। एक दूसरे को जानने के कुछ ही महीनों के भीतर ही जनवरी 2021 में इस कपल का रोका कर दिया गया। वही पत्नी ऐश्वर्या पर ऐसी मुसीबत आने से पहले नील भट्ट भी खतरनाक बीमारी का सामना कर चुके हैं। जी हाँ, नील भट्ट भी खतरनाक बीमारी की चपेट में आकर खुद को काफी टाइम तक क्वारंटाइन रख चुके हैं। तो आप भी इस जोड़ी को लेकर अपनी राय जरूर दें। दुनिया एक तरफ और स्टार प्लस के टीवी सीरियल गुम है किसी प्यार में एक तरफ इन दिनों खूब ड्रामा चल रहा है। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में साई की मुश्किलें भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। साई ने विराट के घर आने से मना कर दिया, लेकिन मन ही मन में वो विराट की फिक्र भी कर रही है। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि साई को विराट के मिशन के बारे में पता चल जाएगा। विराट के बारे में वो सोच कर सई का हाल भी बुरा हो जाएगा। ऐसे में विराट के आसपास रहने की कोशिश करेंगी। गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सई एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने आएंगी। यहाँ पर प्राची बार बार उसे विराट का नाम लेकर परेशान करेंगी। उनकी बातों से परेशान होकर सई उसे कुछ ऐसा सच बता देंगी कि अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का वो डट कर सामना करने की कोशिश करेंगी। अपकमिंग एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि सई को जलाने के लिए विराट एक लड़की को फ्लर्ट करते नजर आएंगे। विराट को दूसरी लड़की के साथ देखकर सई के दिल में तो आग लग जाएगी और उसके बाद तो मिशन पर विराट को भी गोली लग जाएगी। गोली लगते ही विराट आखिरी दफा सई को कॉल लगाएंगे। विराट आखिरी बार सई से बात करके हर गलती के लिए माफी मांगना चाहेंगे, लेकिन अफसोस सई उनका फोन ही नहीं उठाएंगी। विराट को लगेगा कि वो इस दुनिया को छोड़ने से पहले सई से माफी मांगना चाहेंगे। अब तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा कि आखिर विराट मौत के मुंह से बचकर वापस आ जाएंगे या नहीं। क्या विराट सई से आखिरी बार बात कर पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप गुम है किसी प्यार में एपिसोड देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया बीमारी से तहस नहस हो रखी है, तो वहीं टीवी सीरियल एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। टीवी सीरियल भी एक से एक कहानी ट्विस्ट लाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बना रहे हैं। इन दिनों सीरियल अनुपमा नंबर वन पर है, क्योंकि कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। इस बार सीरियल ने ऐसी कहानी गढ़ी जिसे देखकर लोगों के मुंह से चीख निकल गई। दरअसल अनुपमा टीवी शो में वनराज अपना घर छोड़कर डॉक्टर अद्वैत खन्ना के वेलनेस सेंटर में आ गए। वनराज के मन में उलझने हैं, वो अपने परिवार से दूर रहना चाहते हैं, वो अपनी जीवन की समस्याओं का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे। इधर अनुपमा वनराज की तलाश में तोशु के साथ सेंटर में आई। अब अनुपमा कई सवालों के तीर वनराज पर छोड़ने वाली हैं। वो कहेंगी कि वनराज तुमने कई गलतियां की और अब इस चरण में पहुंच गए हो कि अकेले रहना चाहते हो। वो ऐसे सवाल करेंगी, उस पर चिल्लाएंगी और बताएंगी कि परिवार के सभी लोग उनके फैसले से हैरान हैं। तभी अनुपमा बेहोश हो जाएंगी और वनराज एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। वनराज अनुपमा से कहते हैं कि वो सही महसूस करने के बाद घर वापस आ जाएंगे। ये सुनकर अनुपमा बेहोश हो जाती हैं। वो तुरंत उसे डॉक्टर अद्भुत यानी योगी जी के पास ले जाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। वनराज अद्वैत से पूछता है कि अनुपमा के साथ क्या गलत हुआ है। उसका जवाब सुनकर वो चौंक जाएंगे। अद्वैत ने वनराज को क्या बताया कि अनुपमा के साथ कुछ गलत हुआ है, क्या वो बीमार है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप सबको इंतजार करना होगा।